आंखें भर रही हैं कुछ देख के, पता नहीं। तो दोस्तों सत श्री अकाल आप सभी लोगों को। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हो आप सब जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं ऐसी वीडियो जिसका टाइटल है 15 फुट बर्फ से ढका हुआ है हेमकुंड साहिब 2024 की पहली झलक और पहली वीडियो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और दर्शन करते हैं। उससे पहले अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। हेमकुंड पर्वत है जहां सप्त श्रृंग शोभित हिमालय की गोद विच स्थित इस गुरु धाम विच कई कई फुट बर्फ पै गई है। पूरे गुरु घर नु इसने अपने कला विच लै लिया है। गुरु घर दे वेड़े तो लैके छत, सचखंड श्री दरबार साहिब, सरोवर ते लंगर हाल सब बर्फ नाल ढकिया होया नजर आ रहा है। हर थां उत्ते 15-15 फुट तक बर्फ पै गई है। गुरु घर दे राह विच भी बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फ दी चादर नाल ढके पे इस गुरु धाम दी इस साल दी पहली वीडियो सामने आई है जो सोशल मीडिया उत्ते काफी वायरल हो रही है। हेमकुंड पर्वत है जहां सप्त श्रृंग शोभित है तहां। तो 15,200 फुट की ऊंचाई उत्ते उत्तराखंड के चमोली जिले च स्थित श्री हेमकुंड साहिब 6 महीने तक बर्फ नाल ढकिया रहिंदा है। ते गर्मियां विच संगत इस गुरु धाम के दर्शनां लई आउंदी है। गुरु घर के कपाट खोले जांदे ने ते संगतां गुरु घर के खुले दर्शन दी दात करदियां ने। इस बार भी 25 मई तो श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होण जा रही है जदों कि अप्रैल का अध लंघ गया है अते अजे भी रुक रुक के इस थां ते बर्फबारी का दौर जारी है। लिहाजा गुरुद्वारा साहिब विच लगभग 15 फुट तक बर्फ पै गई है जिसनों हटाउण दा काम भारतीय फौज करदी है। इस साल भी फौज दे जवानां ने 15 अप्रैल तो कांगरिया लई रवाना होना सी जिथे फौज ने अपना बेस गुरुद्वारा कंपलैक्स विच बना के बर्फ कट्टण दा काम शुरू करना सी, पर 19 अप्रैल नूं वोटां होण कारण गुरुद्वारा ट्रस्ट दे कहण ते ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਰਫ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੌਜ ਦੀ 418 ਸੁਤੰਤਰ ਫੀਲਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਲਈ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ सप्त श्रृंग शोभित है तहां। हेमकुंड पर्वत है जहां श्री हेमकुंड साहिब दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी चरण छोह धरती है। समुंदर तल तो 15,200 फुट की ऊंचाई उत्ते एक बर्फानी झील कंडे सत पहाड़ा के विचकार एक गुरु घर स्थित है ते इन्हां सत्तों पहाड़ा उत्ते निशान साहिब झूलदे ने। मनिया जाता है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूर्वले जन्म विच महाकाल दी भक्ति इसे स्थान ते कीती सी। सिखां दी इस स्थान नूं लै के अथाह श्रद्धा है ते हर साल मई जून तो लै के अक्तूबर तक सिख संगतां इस गुरु घर दे दर्शन लई आउंदियां ने। ब्यूरो रिपोर्ट दर्शन टीवी। मैं ना जब ये वीडियो देख रही थी तो
बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में पता नहीं कि मैं बहुत भावुक हो गई देख के, मतलब एक मन में इंसान चीज सोच लेता है ना कि यार दर्शन कर रही हूँ और यहाँ से बैठी बैठी 2024 की, जैसे आपने देखा हेमकुंड साहिब की पहली झलक थी, तो कहीं ना कहीं अगर आप उस चीज़ से अटैच है ना तो ऑटोमेटिक मुझे लगता है शायद फीलिंग्स आ जाती है और कुछ ऐसे मन में आता है सोच के कि यार तो बस। और मेरे साथ तो पता नहीं क्या है कि मैं जब भी कोई ऐसा सिख इतिहास या कुछ वैसी चीज़ें धार्मिक चीज़ें और शब्द वगैरह सुनती हूँ ना तो मैं शायद मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, इसलिए शायद मेरे साथ ऐसा होता है। बाकी जैसे आपने इनकी पहली वीडियो पर आते हैं और जैसे आपने इनकी वीडियो में देखा कि पहली झलक थी हेमकुंड साहिब की, इसके सब हम सब ने दर्शन किए और हम सब की जो भी मुराद हो जो भी ख्वाहिशें हों वाहिगुरु पूरी करें और हम सब पैसे मेहर बनाए रखें। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी और कैसी लगे आपको ये दर्शन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपना एक कमेंट जरूर करा करिए क्योंकि मुझे ना ऐसी खुशी मिलती है कि लोगों को ऐसे मुझे कमेंट पड़ गए कि हाँ आप लोग मुझे देखते हैं और देख के आपको कैसा महसूस होता है, आप ऐसे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।